पहली बात तो बेचारा शब्द क्या होता है भाई, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सही कम ज्यादा डिबेटेबल, बट कईयों को उन्होंने आवाज देने का लालू जी ने काम किया है। ऐसे में आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गए कि आप उनको तक बेचारा आप बोल रहे हैं। ये भाषा और भाषा के पीछे की जो सोच है, ये सोच गलत है मुख्यमंत्री जी की। किसी को इस तरीके से आप लाचार बेबस दिखाने का आप प्रयास कर रहे हैं, ये सोच गलत है। पहली बात तो मेरी आपत्ति है इस बेचारा शब्द पे। दूसरी बात, ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बचाने फंसाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली का हिस्सा रहा और ये हम लोगों ने देखा भी है भैया, गाहे भगाहे कई बार कानून में फेरबदल करना, जब जरूरत ना हो तो उन लोगों को फंसा देना और जब उनकी जरूरत हो तो उन लोगों को बचा लेना, ये काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तक करते आए हैं। और इसीलिए जब कोई दूसरा करे तो उनको लगता है कि ये उसी भूमिका में इसको किया जा रहा है। हम लोगों का विश्वास है भारत की न्यायिक प्रक्रिया में, भारत के कानून में। न्यायालय जो भी फैसला लेगा वो सबको सर्वमान्य होगा, उसमें किसी को बचाने या फंसाने की कोई बात ही नहीं है। चिराग भैया जिंदाबाद को लेकर जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल बीच में आए हैं उसको लेकर जेडीयू का साफ तौर पर कहना कि बीजेपी हैज बीन एक्सपोज्ड, बीजेपी कासर के अगेंस्ट है और यही कारण है कि बिना बुलावे सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल आए। Nobody has been exposed. They themselves has been exposed. ये खुद इन लोगों ने जिस तरीके से न्यायालय को रोक तक इस पे लगा देनी पड़ी, ये दर्शाता है कि इन्होंने अपने पक्ष को किस मजबूती से रखा, नहीं रखा। एक ऐसा विषय जहाँ पे तमाम राजनीतिक दल आपका साथ देने को तैयार है, बिहार की कौन सी पार्टी है भैया जो इनका साथ नहीं दे रही है, उसमें इस तरीके से राजनीति को लेकर आना इनकी सोच को